जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी घर सहन में बैठा हुआ हूँ, तो एक पार्सल ऑर्डर किया हुआ था। ये वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि यार, एक चीज़ हमें सऊदीया में जो मिलती है वो पाकिस्तान में भी आप लिख खरीद सकते हैं। हर एक चीज़ भी कुछ चीज़ें मिलती है, तो पाकिस्तान में क्या प्राइस हैं, कुछ चीज़ें जो हमें अगर पाकिस्तान में यार बेस्ट रेट के ऊपर मिल जाएँ और मिल भी ओरिजिनल जाएँ तो वो अच्छी बात है। बहरहाल इसमें मैंने एक पार्सल ख़रीदा जी, और ये है जी price.pk से, और price.pk वालों की वेबसाइट है। आपने फेसबुक या इंस्टा या टिकटॉक के ऊपर इनकी देख लें कोई ना कोई वीडियो वगैरह देखी होगी। तो इनसे मैंने ये ऑर्डर किया था, इसी चैनल के ऊपर ना, मैं अगर बात करें आज से तकरीबन 2.5-3 साल पहले एक वीडियो अपलोड की थी मैंने, जिसमें मैंने एक एयरबड्स दिखाए थे आके वालों के, ठीक है। तो वो उस टाइम मैंने मक्का से बाय किए थे, मक्का अल मुकर्रमा में था, मकतबे जरीर से लेके आया था मैं। तो मैंने बहरहाल उस टाइम मुझे कितने के मिले थे वो भी आपको बता दूंगा, और ये मैंने अभी यहाँ पाकिस्तान में कितने के ऑर्डर करवाए हैं ये भी आपको दिखा देता हूँ मैं। बाकी वीडियो शुरू करते हैं, बैक कैमरे से आपको मैं ये पार्सल ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें से क्या कुछ निकला है। प्राइस डॉट वालों ने भाई धोखा तो नहीं किया, जो चीज़ बताई थी वही है या उससे डिफरेंट है जी। तो पार्सल मैंने पकड़ लिया जी, इसमें एक चीज़ मैं आपको पहले फर्स्ट में दिखाना चाहूँगा, अगर हिफाजती मोहर टूटी हुई हो या पार्सल फटा हो तो बराह करम इसे कबूल ना करें। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ अगर इसमें आप देख रहे हैं, ये जो सील लगी हुई ना, ये अगर ये देखें ये फटी हुई है या उतारी हुई है किसी ने, तो फिर पार्सल वसूल ना करें, या पार्सल कहीं से फटा हुआ फिर भी, क्योंकि इनकी गारंटी होती है जी। हमारा पार्सल जो है ना, जो आप चीज़ मंगवाएंगे वही आपको एक नंबर मिलेगी। तो बहरहाल ओपन करते हैं जी इसे, और देखते हैं कि जो हमने ऑर्डर किया हुआ था क्या इसमें से वही हमें मिला है या कुछ डिफरेंट आ चुका है। ये चीज़ सऊदीया से मैंने कितने में ख़रीदी, एयरबड्स हैं, और सॉरी तो सऊदीया से मैंने कितने में ख़रीदी, यहाँ पर एक और सील लगी हुई है, ये देख लें दरमियान में, आप इसको ओपन करेंगे तो फिर ये देखें अंदर से वो खुलेगी। तो ये price.com इनका बॉक्स है जी, इस बॉक्स के अंदर ही ये पार्सल भेजते हैं जी, ताकि पार्सल सेफ़ रहे। और ये TCS पाकिस्तान में आपको पता है मशहूर, जैसा कि सऊदी अरेबिया में आपको पता है DHL वगैरह वाले हैं या समसा वाले हैं, वैसे TCL पाकिस्तान में है जी, और ये मशहूर है जी। और इसे ओपन करते हैं, देखते हैं। मैं ये रखा जी, अंदर से उन लोगों ने ये रैपर लगाया हुआ है, ये नीचे भी रखा हुआ है, ये देख लें ये वाला, इससे चीज़ सेफ़ रहती है, इसके अंदर लपेटे हुए हैं देख लें। और ये आके वालों के बड्स हैं जी, ठीक है, ट्रू वायरलेस एयरबड्स, और नीचे देख लें आके वालों की मोहर लगी हुई है। इन्हीं के आके वालों के मैंने पहले भी लिख खरीदे थे सऊदी अरेबिया में, वो मुझे बहुत अच्छी वैरायटी लगी यार, मुझे चले मेरे पास बहुत बेस्ट, उनका टाइम यानी कि म्यूज़िक टाइम वगैरह उनका अच्छा था, बैटरी लाइफ अच्छी थी, और ऊपर से साउंड बेस वगैरह अच्छी थी, और मुझे अच्छी चीज़ मिली थी। तो मैंने बोला कि चलो अभी पाकिस्तान में मुझे मिल रहे थे, इनकी ऑनलाइन है जी, तो मैंने बोला चलो इनसे परचेज़ कर लेते हैं, देख लेते हैं। प्राइस वगैरह आपको मैं बता देता हूँ, मैं ये पाकिस्तान से हमें कितने के में मिले और वहाँ से हमें कितने में मिले हैं। तो इसको ओपन करते हैं जी बॉक्स को, और देख लें जी, ये रखा जी। और इसके अंदर हमें और कुछ क्या मिलता है, इसको एक तरफ साइड पर रखते हैं। अच्छा, इसके अंदर देख लेते हैं अभी, ये एक है जी, इसके अंदर हम इसे उठाएंगे, और ये वैसे आप बोल रहे हैं सेफ्टी के लिए इनकी बड्स की रखा हुआ था, अगर इसको उठाएं तो इसके नीचे है जी ये कुछ, ये मैं निकालता हूँ आपको दिखाता हूँ क्या कुछ हमें मिला। ये कुछ गाइडलाइन वाली बुक वगैरह हैं आके वालों की, और अगर इसको ओपन करें तो इसमें क्या है भाई, ये देख लेते हैं पहले जी। तो ये मुझे वो फॉर्म नहीं होते हैं, यानी कि आप इनके अगर फॉर्म वगैरह चेंज करेंगे ना, आगे जो लगे होते हैं देख लें, ये चेंज करेंगे तो इनसे बेस इनकी कम होती है, बेस ज़्यादा बढ़ती है। ये साथ में उन लोगों ने दिए होते हैं कुछ ब्रिक, कुछ थोड़े मोटे टाइप के, कुछ ब्रिक टाइप के, इनसे बेस बढ़ती है, कम होती है। और ये है जी साथ में एक चीज़, इसको ओपन करते हैं और देखते हैं, ये तो होनी लाजमी चाहिए साथ में ये जो चीज़ आई है, और क्योंकि आपको पता है ये चार्जिंग सिस्टम होता है, और
इसमें ये केबल है जी, चार्जिंग के लिए दी हुई साथ में। अच्छा, इसके ऊपर मैं देख रहा था कहीं आके वालों का वैसे स्टैंप नहीं है, सिंपल नहीं तो इधर आके वगैरह लिखा होता ना, तो फिर बहरहाल ठीक है। तो अभी इसको ओपन कर लेते हैं एयरबड्स को, और वो दिखाता हूँ आपको मैं, देख लें जी। और ये रहा जी, ठीक है जी। मैं देख रहा था सेम वही लुक है जी जो मुझे सऊदी अरेबिया से मैंने परचेज़ किए थे, सेम वही चीज़। इसमें कोई किसी किस्म का डिफरेंट नहीं है, अंदर से जो बर्ड्स हैं वो भी सेम बिल्कुल वैसे ही हैं, और बिल्कुल वैसा ही इनका डिज़ाइन है, वैसा ही स्टाइल है। टच है जी, यहाँ पर आप टच करेंगे तो ये, यानी कि म्यूज़िक चल रहा है, टच करेंगे तो म्यूज़िक बंद, टच करेंगे तो ऑन, टच करेंगे तो कॉल यस एंड, टच करेंगे तो कॉल एंड, ठीक है। टच सिस्टम है तो एक अच्छी चीज़ है यार, मुझे अच्छी चीज़ लगी, मैंने बोला चलो आपको बता देता हूँ। मैं बहरहाल इसको पढ़ लेता हूँ, ये हैं किधर के, पाकिस्तान में ये किधर के आ रहे हैं, यानी कि मेड इन चाइना लिखा हुआ है, शायद आपको ये यहाँ से ना पढ़ सके, लेकिन मेड इन चाइना जो सऊदीया में मिलते हैं वो भी मेड इन चाइना भी बैक साइड पर लिखा होता है। तो एक अच्छी चीज़ है, टाइप सी चार्जिंग है जी, एंड चार 3 से 4 घंटे इनका बाई टाइम होता है, आप म्यूज़िक सुने कॉल सुने, तो बेस्ट चीज़ है। वाटरप्रूफ नहीं है तो पाकिस्तान में, बहरहाल ये मुझे मिले कितने के मैं आपको बताता हूँ जी। तो अगर प्राइस की इनकी बात करें ना, तो ये जो सऊदीया में मैंने खरीदे थे उस टाइम वो 80 रियाल में मुझे मिले थे, 80 रियाल में, ठीक है। और इस वक्त पाकिस्तान में जो मुझे ये मिले हैं ये 4400 रियाल के थे, 4400 के, और इनके ऊपर डिस्काउंट चल रहा था, यानी कि ये 4000 में, 400 रुपये का सिर्फ डिस्काउंट था, मैंने बोला बेस्ट है कोई मसला नहीं, तो ये 4000 में मुझे मिले हैं जी। तो आप इस वक्त पाकिस्तान में 100 रियाल की अगर बात करें तो आपको पता है 7500 बन रहे हैं, तो ये तकरीबन 55 रियाल के अराउंड में, तकरीबन ऐसे ही है, 55 रियाल के अराउंड में मुझे फ्री डिलीवरी है, फिर 55 रियाल के अराउंड में मुझे मिल गया है पाकिस्तान में। अभी सऊदीया में इनकी कीमत क्या है ये मैं नहीं कंफर्म कर सकता, जैसा कि आपको पता है मैं पाकिस्तान आया हूँ, जल्द मुलाकात हो जाएगी सऊदी अरेबिया में इंशाल्लाह आप भाइयों के साथ। तो अभी बहरहाल पाकिस्तान से परचेज किए हैं, ओरिजिनल है जी बिल्कुल, इसमें कोई किसी किस्म का फेक वाला मामला नहीं है, ये मैं देख रहा था, तो बेस्ट है जी। अगर ऐसी चीज़ें अगर पाकिस्तान से हमें मिल जाए तो सऊदीया से लाने की जरूरत नहीं है फिर।